इज श्वेता विद धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू। आज हमारे पास आप देख सकते हैं किस हालत में डॉग आया है। एक्चुअली जो इसकी फीडर्स हैं, ये डॉग हमारे लोकेलिटी से बहुत दूर से है। तो ये सिम्बा है। सिम्बा हमारे पास लास्ट ईयर भी आया था, तब इसकी प्रॉब्लम कुछ और थी। तब ये मैगट वुंड लेके आया था, बट एक तो ये फेस मूव कर रहा है। बट अभी जिस प्रॉब्लम को लेके हमारे पास आया है, आप देख सकते हैं किस कंडीशन में आया है ये। इसके फीडर ने ये बताया कि वो लोग कहीं बाहर थे, तो दो दिन से जब दो दिन पहले वो जब हमारे पास अपने घर पे सॉरी वापस आए थे, तो उनको वहाँ के लोगों ने बताया कि 10 दिन से ये डॉग ऐसा है। इस डॉग का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चल रहा था। वो बता रहे थे कि मैगेट्स थे इसको, मैगेट्स रिमूव हो चुके हैं, पर आप कंडीशन देखिए इसकी। तो उन्होंने फिर हमको इंसिस्ट किया, क्योंकि हम लोग जिस लोकेशन से ये डॉग है उस लोकेशन पे हम रेस्क्यू नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सिम्बा हमारे पास लास्ट ईयर भी आया था, इसके फीडर को हमने इंसिस्ट किया कि हमारे पास छोड़ के जाएं, और वो हमारे पास आए और हमारे पास छोड़ के गए हैं। वो फिलहाल हम भी इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसको पहले सिडेट करेंगे। रीज़न पता नहीं है इसके वुंड का, क्या हुआ है, क्या था कैसा नहीं था। बस उन्होंने ये बताया कि इसको नाक में थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर फीडर्स को भी इतना आइडिया नहीं होता है कि किस रीज़न से वुंड बना होगा, क्योंकि स्ट्रे डॉग है, उनकी लोकेलिटी का है, तो रेगुलर थोड़ी देखभाल नहीं हो पाई है। अभी इसको हम सिडेट करेंगे, इसका वुंड क्लीन करेंगे हमारे डॉक्टर्स, और उसके बाद फिर आगे का अपडेट मैं आपको दूंगी। थोड़ा ग्राफिक कंटेंट है, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैं दिखाना चाहती हूँ थोड़ा नज़दीक से। ये देखिए, आप सोच सकते हैं कि डॉग कितने पेन में है, पर फिर भी कितना काम है, कितना पेशेंस है इसमें। इसलिए हम यही बोलते हैं हमेशा कि अगर पेशेंस सीखना है तो जानवर से सीखिए। ऑल्दो इसको पेन तो बहुत है, देखिए कितना एक्सपोज है। ओके व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सिम्बा का। अब हम इसको सिडेट करने वाले हैं, सिडेशन के बाद इसका अपडेट हम आपको देंगे। थैंक यू एवरीवन। हाय एवरीवन, वंस अगेन मैं बताना चाहूँगी वीडियो से पहले कि थोड़ा ग्राफिक कंटेंट है। अभी आपने पीछे प्रीवियस वीडियो में देखा, इसके फीडर से सिम्बा बुलाते हैं, बट जब हमारे पास ये पहले आया था हमने इसको ओमी नाम दिया था, तो मैं इसे ओमी बुलाऊंगी। ओमी की अभी क्लीनिंग की जा रही है, ये फुल सेडेशन में है, साथ में ड्रिप भी चला हुआ है एंड एंटीबायोटिक्स आईवी सब कुछ जा चुका है। अभी डॉक्टर शाहिम एंड डॉक्टर सिवम मिल के इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। थोड़ा अभी बैक साइड से दिखाऊंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को तंग नहीं करना चाहती बीच में आके। और डॉक्टर शाहिम से मैं थोड़ा पूछना चाहूँगी, डॉक्टर शाहिम क्या लगता है ये इसके इंजरी का क्या रीज़न हो सकता है? आपके आपको डायग्नोस देके क्या लगता है, ये क्या डायग्नोस देंगे? मोस्टली यही लग रहा है कि मोस्टली ट्रॉमा का केस है, मतलब इसको कुछ भी होता है, हिट भी हो सकता है, डॉग बाइट भी हो सकता है। डॉग बाइट के बाद अगर मैगेट्स पड़े होंगे तो मे बी उसकी वजह से भी इतना मसल, लेकिन अब वो फर्दर चेक करेंगे, कोई ट्यूमर की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, तो बाकी देखते हैं। हाँ अभी क्लीनिंग चल रही है इसकी, क्योंकि ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं, पर थोड़ा पस तो आ रहा था, पर क्लीनिंग फॉर श्योर ज़रूरी है। तो डॉक्टर शाहिम ने थोड़ा शेव किया है इसकी वुंड को, ताकि क्लीनिंग में इजी हो जाए। अभी वो बिल्कुल डीप जाके इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। क्रैक दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूँगी। थोड़ा केस कॉम्प्लिकेटेड है ये, पर हमारे डॉक्टर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि थोड़ा क्रैक भी है बीच में और नेजल डिस्चार्ज भी आ रहा है इसको। व्यूअर्स, मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगी कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है केस, पर कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि ओमी ठीक हो के यहाँ से वापस अपने लोकेशन में जा सके। जैसे कि इनकी इसके फीडर ने बताया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पहले इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और पहले इसको पूरे इसके वाउंडेड एरिया में मैगेट्स पड़े थे। मैगेट्स तो रिमूव हो गए, बट आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन, जो कि इसका देखिए आप हड्डी एक्सपोज है अंदर। ठीक है इसके मुंह के अंदर? हाँ मुंह के अंदर ठीक है, बस ये ना यहाँ से पूरा एक्सपोज हो गया। अब जो भी खाना खाएगा वो इस गैप से बाहर आ सकता है कभी भी। तो इससे चश्मे क्या लिक्विड दे या सेमी सॉलिड?
लिक्विड डाइट, ठीक है, ओके। व्यूअर्स, ये तो था ओमी की कंडीशन। आई होप आपको ये वीडियो मतलब थोड़ी पसंद आई होगी। पर्सनली तो ऐसी चीज़ें जब हम दिखाते हैं हमें खुद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग भी एक डॉग लवर हैं, इसलिए हम डॉग्स के बीच में काम कर रहे हैं। बट आप देख सकते हैं कि उम्मीद कितनी बुरी हालत में यहाँ पे आया है, और होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज होके अपने फीडर के पास अपने लोकेशन वापस जाए। ये तो था आज का वीडियो ओमी के रिगार्डिंग। मैं आपको इसका अपडेट देती रहूँगी और आपको मैं यहीं पे बाय करना चाहूँगी। ओके, बाय एवरीवन।